बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी जनपद में हो रही खाद की किल्लत, जिले में कराई जाए खाद की आपूर्ति, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर लगाई जाए लगाम, प्रदेश में धराम हो रही कानून व्यवस्था को किया जाए दुरुस्त, महिलाओं के बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामलों पर लगाई जाए लगाम। रिपोर्ट शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम, बांदा मंडल प्रभारी, एवीपी भारत न्यूज चैनल। बहुजन समाज पार्टी बांदा के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ को द्वारा डीएम दिया जा रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जनपद बांदा ये मांग करती है कि जो खाद इस समय खाद की किसानों को ज़रूरत है, लेकिन खाद आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिस व्यक्ति को एक बोरी 10 बोरी की जरूरत है, उसको एक बोरी मिल रही है, दिन दिन भर लोग लाइन लगाए रहते हैं, उनको खाद आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डीजल और पेट्रोल के दाम रोज़ प्रतिदिन जो है बेहताशा बढ़ रहे हैं, इस पर भी हमारी मांग महामहिम राज्यपाल जी से हमने किया है। और किसानों की जो धान की खरीद है, वो धान की खरीद समय सुचारू रूप से हो और धान के केंद्र जो कम है वो और ज़्यादा खोले जाएं। इसके बाद जनपद में तमाम जो महिलाओं, बच्चियों और जो बलात्कार और हत्या की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, उन पर भी रोक लगे, ये हमारी शासन से मांग है। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद।